हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आज हम आपको जिस्ट में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। नाम है उनका डॉक्टर सवीरा प्रकाश। 8 फरवरी को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव होने वाले हैं और डॉक्टर सवीरा पहली हिंदू महिला हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की एक प्रोविंस है, वहाँ की बुनेर डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ रही हैं। बुनेर से चुनाव लड़ने वाली वो पहली हिंदू महिला हैं। डॉक्टर सवीरा से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक माइनॉरिटी के तौर पर और महिला होने के बाद भी वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस है उनके लिए, किस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और इंडिया में डॉक्टर सवीरा की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मेरा सवाल है कि इंडिया में अभी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या आप कभी इंडिया आई हैं? नहीं, मैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं। जी ज्यादातर हम पाकिस्तान से अगर निकले तो वो वही वेकेशंस के लिए तो मलेशिया साइड पे गए हैं, फिर ये उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान साइड पे ज्यादा गए हैं, तो इंडिया नहीं है। अगर आपको इंडिया आने का मौका मिलता है फ्यूचर में, तो आप कौन सी जगहों पर आना चाहती हैं जिनके बारे में आपने सुना हो या आपकी आने की दिलचस्पी हो? ताजमहल, वो तो पूरी दुनिया चाहती है। डॉक्टर सवीरा, आपने MBBS किया, आप डॉक्टर हैं और उसके बाद आप अब चुनाव लड़ रही हैं, तो क्यों फैसला किया आपने चुनाव लड़ने का? मेरा कॉज जो मैंने MBBS भी है, मैंने जो डॉक्टर भी बनी हूँ, वो मेरा तब भी एक ही कॉज था, अभी भी सेम कॉज है। मैं जी अपने लोगों के हेल्प करना चाहती थी, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। ये मैं अपने फादर से इंस्पायर होके, मेरे फादर भी डॉक्टर है, वो भी अपनी तरफ से काफी उन्होंने एफर्ट की थी, ट्राई करते थे कि जो हमारे गरीब लोग हैं तो उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन वगैरह, ब्लड बैंक भी उन्होंने अपना रखा हुआ था, तो जब फैसिलिटी बिल्कुल यहाँ पे थी नहीं, जी तो इस तरह के मैंने भी MBBS किया कि इस तरह से मैं भी करूँगी। पर जब मैं हाउस जॉब अपनी कर रही थी तो तब मुझे आइडिया हुआ कि थोड़ी कुछ ज्यादा ही लिमिटेड थी कि एज अ डॉक्टर सिर्फ अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकूंगी जो मेरे पास आएंगे, पर एज अ पॉलिटिशियन मैं बड़े मसले सॉल्व कर सकूंगी जो ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा आसानियां पैदा कर सकेगी और लोगों के लिए ज्यादा लाइफ आसान कर सकेंगे, उनके ज्यादा मसले सॉल्व हो सकेंगे। तो जी गोल मेरा तब भी एक था, वही सेम गोल अभी भी है, बस मैंने रास्ता चूज किया है। तो पाकिस्तान में आपको डॉक्टर ऑफ बुनेर का टाइटल दे दिया गया है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है आपकी, इस तरीके का टाइटल दे दिया गया है, किस तरीके का सपोर्ट आपको मिल रहा है ऑन ग्राउंड? वो तो बहुत ज्यादा, उससे तो कहले कि 100,000 times ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। कि डॉटर ऑफ बुनेर कह दिया है, मुझे बेटी सबने अपनी कह दिया है, मुझे सब अपनी बेटी और बहन की तरह वो इज्जत देते हैं, उतनी कदर करते हैं। तो और ये सारा क्रेडिट अपने बुनेर के लोगों को ही देती हूँ कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उन्होंने इतना सपोर्ट और प्रमोट किया है कि वो उसी दिन इंडिया पहुंच गया है, तो ये सारा जो क्रेडिट है वो उनको ही जाता है। जो पार्टी ओपोजिशन होती है, ऑब्वियसली एक पार्टी से एक कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, दूसरे पार्टीज वाले तो वोट नहीं देते। मुझे हर टाइम मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम इस पार्टी है पर आपको वोट देंगे, तो वो इस चीज को ना मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस लिटरली अपनी बहन और बेटी कह के मुझे सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। क्रिकेट मैच पे मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था, तो वहां पे जो रिस्पांस था ना, जो वाह, प्यार मुझे मिला है, वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। वहां पे जब हम गाड़ी में बैठे वापस जा रहे थे तो बच्चे गाड़ी के पीछे भागते हुए आ रहे थे, और बहुत ही ओवरवेलमिंग और सारा कुछ, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। पाकिस्तान को लेकर के जो एक आम सोच है वो इस तरीके की मानी जाती है कि महिलाओं को वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं है, और ख़ास तौर से जब बात अल्पसंख्यक महिला की आ जाए तो और ज़्यादा इस बात की चर्चा होने लगती है। तो आपको PPP ने टिकट दिया, आप वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आप एक महिला हैं, अल्पसंख्यक महिला हैं, आप इसे किस तरीके से देखती हैं और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है कि उन्होंने आपको टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए? बात ये कि मुझे मैं इस चीज को अपने पेरेंट्स को क्रेडिट करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने लिमिट नहीं किया चीज में,
मैंने एमबीबीएस कर लिया, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, वो मुझे कह सकते थे कि बस बैठो आप क्लिनिक में, हमारा अपना सेंटर है, इधर बैठो तुम यही जॉब करो। तो मैंने ये चीज, मैंने अब पॉलिटिक्स तो उस चीज से भी मना नहीं किया। मैंने साथ में एसएस एकेडमी, जैसे कि इंडिया में यूसी यूपीएससी होता है सिविल सर्विस, तो सीएसएस एकेडमी भी मैंने ज्वाइन, ब्यूरोक्रेसी की, एक पॉलिटिक्स मेरे लिए रास्ता था और एक ब्यूरोक्रेसी, तो पॉलिटिक्स क्या ऑप्शन था सेकंड पे, फिर ब्यूरोक्रेसी आती थी कि जी मतलब किसी तरह से मेरे पास मतलब वो इन्फ्लुएंस अथॉरिटी आ जाए ना। तो पेरेंट्स ने मुझे लिमिट नहीं किया, सीएसएस एकेडमी भी मतलब ये ज्वाइन, लाहौर शिफ्ट हो गए, एकेडमी ज्वाइन की, साथ में एक्टिवली मतलब पार्ट भी पॉलिटिक्स में ली। तो मुझे कभी पेरेंट्स ने मतलब इस चीज पे वो नहीं, और आई थिंक ये फिर क्रेडिट जाता है कि हमारा जो थोड़ा सा थोड़ी फैमिली जो है ना अनकन्वेंशनल टाइप कह लेते हैं, मेरी क्वेश्चन है और वो भी रशिया से है, अच्छा तो वो भी मतलब आई थिंक कि बहुत ज्यादा इस चीज ने भी इम्पैक्ट किया ओवरऑल मतलब हमारी फैमिली सोच को, और ओवरऑल मतलब हर कि मुझे किसी तरह से लिमिट नहीं किया गया, मुझे किसी तरह से मतलब हमेशा से ये भी टीच किया गया कि मतलब ह्यूमैनिटी का रिलीजन फॉलो करना है, कि जी तुमने बस लोगों की हिम्मत करनी है, तुमने अच्छा एक इंसान बनना है, इस चीज ज्यादा फोकस किया गया। तो वो के मतलब उसका ही रिवॉर्ड अभी मिल रहा है, कि मतलब जो मैं ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए खुश हो रही हूँ कि मतलब मैं लाइक उनको अब उनकी रिप्रेजेंटेशन टाइप कर रही हूँ, कि मतलब उन्होंने इतना अच्छे से मतलब वो सारा कुछ किया है। तो मेरे लिए मतलब कह सकती हूँ कि मुश्किल नहीं था ये स्टेप लेना, मुझे हर तरफ से पेरेंट्स सपोर्ट मिल रही थी, और पेरेंट्स के सपोर्ट ही तो हर चीज होती है ना। डॉक्टर सवीरा, अभी तक हम तक खबर लगातार ये पहुंचती रहती है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो आम जनता है उसके भी हम कुछ वीडियोस इस तरीके के देखते रहते हैं कि वहाँ राशन बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। इसके पीछे की क्या सच्चाई, और अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो आप क्या इस पर अपनी सोच रखती हैं? हाँ जी, हमारे पार्टी का ऑफिशियल जो है उसमें भी ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो उनकी सैलरी डबल करनी है। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें मंथ विमेन को फंड्स मिलते हैं, तो उसको भी एनहांस करने का मतलब ऑफिशियली ये मैनिफेस्टो है। इसके अलावा मेरा अपना एजेंडा भी यही था कि जो क्योंकि काफी फैमिलीज यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में देखी हुई है जो टोटली डिपेंड करती है इस प्रोग्राम पे, तो इसको एनहांस करना, इसकी एंट्री हर यूनियन काउंसिल विलेज काउंसिल पे बढ़ा, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि इस प्रोग्राम में और भी मतलब पॉइंट्स है जिनका लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए यूज भी नहीं कर सकते। तो ये एनहांस करना क्रिएट करना वो मेरे अपने एजेंडा में भी था, और वो अभी मतलब मैं ऑफिशियल मैनिफेस्टो में भी आ गया हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उसके अलावा किसान कार्ड, यूथ कार्ड, इस तरह के कार्ड्स के इनिशिएटिव्स भी प्रपोज हुए रहे थे। बतौर माइनॉरिटी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप वहाँ पर माइनॉरिटी के तौर पर हैं, और हम तक कई ऐसी घटनाएं पहुँचती हैं और इनकी चर्चा लगातार होती रहती है कि अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसका आप जिक्र करना चाहें यहाँ पर? नहीं, मुझे कभी भी बचपन से अभी तक मतलब मैं पूरी लाइफ यहाँ पे बिता रही, मुझे कभी भी रिलीजन के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई। एज फीमेल हुई है, पर मतलब वो यहाँ पे हर फीमेल को होती है, पर रिलीजन के बेसिस पे कभी भी नहीं। हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अभी मैं आपको ये भी एग्जांपल देती हूँ, कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले मुझे हमारे एक मुस्लिम भाई ने ये स्टोरी मुझे बताई कि एक ट्रेडिशन था यहाँ पे कुछ डिकेड्स पहले, अब वो खत्म हो गया है, कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पेशली हिंदू और सिख थे वो काफी रिच थे, तो जब भी मुस्लिम में लड़का बच्चा पैदा होता था तो वो लोग एक कमीज और एक कड़ा बना के उनके घर लेके जाते थे एज अ ब्लेसिंग, के मतलब के खुदा करे कि आपका बच्चा भी ऐसे सक्सेसफुल हो। और उसके अलावा ये मेरे साथ अभी हुआ है,
मैंने 2 3 दिन पहले एक बच्ची थी हमारी नेबर, तो उसको मैंने बोला है, मैं कहा दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट डे मुझे पता चला है कि वो मदरसा जाके मस्जिद में सबको अपने फ्रेंड्स वगैरह बोला है कि जरूर मेरी आंटी इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई है और उनके लिए जरूर दुआ करिए। तो मतलब ये रिस्पॉन्स है, इस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल, मतलब रिलीजन के बेसिस लाइक कभी कुछ भी मसला नहीं हुआ। अगर मैं आपकी प्रोविंस की ही बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा से कई ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहां पर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, हमले होते रहते हैं। अभी हाल की खबर है कि 6 पुलिसकर्मी वहां पर उनकी डेथ हो गई इसी एक बॉम्ब ब्लास्ट में। तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमले लगते हैं आपको, या कौन है ये जो इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो मुझे नहीं लगता, पर मतलब वो करारते ही होती है बीच में, मतलब ऐसे इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, वो तो हर कंट्री की बात है। मतलब क्योंकि हम यूरोप में भी देख ले तो वहां भी इस तरह के सीन हो रहे होते हैं। आपने एक बयान दिया अभी हाल फिलहाल में कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच जो रिश्ते हैं, जो तलखियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगी और एक ब्रिज का काम करने की कोशिश करेंगी। आप ये जब बयान देती हैं तो क्या आप ये बयान एक हिंदू महिला होने के नाते दे रही हैं, हिंदू नेता होने के नाते दे रही हैं, या फिर वहाँ के जो मुस्लिम नेता भी हैं पाकिस्तान के, वो भी इसी तरीके की सोच रखते हैं कि ये जो डिवाइड बढ़ता जा रहा है लगातार, जिस तरीके के रिश्तों में तलखियां आ रही हैं, वो कम हो? आप जब और नेताओं से, अपने साथी राजनेताओं से बात करती हैं, तो किस तरीके का रिएक्शन आपको मिलता है इस पर? ऑब्वियसली सभी ऐसे सोचते हैं, क्योंकि मतलब वैसे अगर छोटे लेवल पे देख ले, जब मतलब हम घर आते साथ, मतलब हमारे नेबर के साथ रिलेशंस अच्छे ना हो तो बिल्कुल सही। वो वाइब भी डिफरेंट हो जाती है। मतलब अच्छा फील घर पे, अपने घर पे भी अच्छा नहीं फील होता। तो ये तो हम मतलब स्टार्ट से चाहते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट से ही, इंसेप्शन से ही रहे हैं, कि इनको किसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तरफ हम आए भी थे, टेबल टॉक्स भी हुई थी, बस बीच में वो शरारतें, वही शरारतें आ जाती थी तो वो सारा कुछ जीरो पे चला जाता था। पर ऑलरेडी मुझे मतलब काफी प्रोग्रेस नजर आ रहा था इस चीज में भी, कि ये जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है, सिखों की वो रिलीजियस टूरिज्म उसमें प्रमोट हो रही है। उसके अलावा हमारे ही पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ऑफिशियल विजिट पे वो गोवा गए थे। तो ये भी एक प्रोग्रेस की बात थी, क्योंकि हमारे पिछले 12 इयर्स में कोई ऑफिशियल विजिट नहीं हुआ हमारे दोनों कंट्रीज के दरमियान, और ये मतलब ये प्रोग्रेस की इंडिकेशंस है। ये एक तो ये करतारपुर कॉरिडोर, ये एफर्ट है एक ही, एक तो हमारे जो ऑफिशियल गए हैं, तो ये हमारी तरफ से एक एफर्ट है और हम सब चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस बेहतर हो। क्योंकि मतलब देखा जाए, हमारा लैंड एक है, हमारा कल्चर भी काफी मिलता है, हमारी पूरी हिस्ट्री ही एक है। और अगर मतलब यूरोप और अमेरिका में पूछा भी जाए ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को एक ही रेस समझा जाता है, बिल्कुल तो हम ज्यादा सिमिलरिटीज है। तो मतलब ये लॉजिकल बात ही नहीं है कि मतलब हमें इतना गैप अपने दरमियान, मतलब इसको मेंटेन करें या मतलब और ही गैप बढ़ाए। हमें इस गैप को खत्म करना चाहिए। हम मतलब इस सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम एक ही लोग हैं। पाकिस्तान ने एक ऐसा भी दौर देखा है जब वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी और ये एक आम राय बनने लगी थी कि पाकिस्तान अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और ग्रोइंग नेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी हम जिस तरीके के हालात वहाँ के देख रहे हैं कि जो ओपोजिशन है उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इस तरीके की जो एक एक बेटर पॉलिटिक्स, एक हेल्दी पॉलिटिक्स देखने को हमें हम सोचते हैं एक डेमोक्रेसी में, वो नज़र नहीं आती है। तो आप इसके पीछे किस चीज़ को कारण मानती हैं, और क्या आने वाले समय में आपको ये हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं? मैं तो मतलब इस चीज को ब्लेम काइंड ऑफ करती हूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लेट बना था ना, 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो मतलब वो लेट होने की वजह से मतलब वो सारी चीजें ही आगे पीछे हो गई। और मतलब मैं इस चीज को ज्यादातर ब्लेम करती हूँ, थोड़ी सी इलिटरेसी को भी, मतलब स्पेशली जो मतलब मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मतलब मैं जज कर रही हूँ, कि हमारी जो वुमेन लिटरेसी है वो अंडर 20% है। तो मतलब जब लिटरेसी रेट इतनी कम हो, तो लाइक लोगों में अवेयरनेस नहीं होती,
जब ये एजुकेशन हम ठीक करके लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं तो लोगों को हर चीज की अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, वो पॉलिटिकली भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, हमारी कंट्री पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेगी, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेगी। तो थोड़ी सी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन और इलिटरेसी इसको मतलब थोड़ा सा कर रही हूँ। इंडिया की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है आपको? आई थिंक के इकोनॉमिकली जो इतना स्टेबल हो गया है और मतलब ग्रो कर रहे हैं, स्टेबल क्या ग्रो कर रहे हैं, जी और फिर उसके बाद ये एजुकेशन के लिए जो अभी काम हुए थे, तो ये चीजें मतलब अच्छी लगती है। डॉक्टर सवीरा, हिंदुस्तान के कौन से ऐसे राजनेता हैं जो आपको पसंद हैं और जिनको आप एडमायर करती हैं? वो अपॉर्चुनिटी कमेंट सही से नहीं कर सकूंगी, वो ज्यादा अच्छे से अच्छा, लोग कमेंट कर सकेंगे, उनको ज्यादा बेटर तरीके से पता होगा। मुझे अपने लीडर्स का पता है, अपने पॉलिटिशियंस का पता है। शहीद बेनजीर भुट्टो जो कि हमारे पाकिस्तान पार्टी के फाउंडर जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी और हमारी वन एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, जो वाह, उन्होंने नेशनल लेवल पे काम किए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेटिक टाइज बनाई है और काम किए, तो उनसे इंस्पायर होना तो बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सवीरा, हमसे बात करी आपने, इतनी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे मुल्क के और आपके मुल्क के जो रिश्ते हैं वो जल्द से जल्द बेहतर हों, और बहुत बहुत शुक्रिया जिस्ट से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खुदा धन्यवाद। हाफिज।